नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी रसोई में और नवरात्र स्पेशल एपिसोड 2 में। मैंने आपको अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि 9 दिन की पूजा, 9 देवियां और हमारे 9 व्यंजन। तो उसी एपिसोड में, यानी एपिसोड 2 में हम बनाने जा रहे हैं कूटू की पकौड़ियाँ। कूटू की पकौड़ियाँ आपने बहुत बार बनाई हैं, खाई हैं, खिलाई हैं, पर मैंने इसमें कुछ अपना ही ट्विस्ट दिया है। तो चलिए मेरी रसोई में और बनाते हैं कूटू की पकौड़ी। कूटू की पकौड़ी बनाने के लिए मैंने सबसे पहले, ये देखिए, इस तरह से मेजर करके मैंने कूटू ले लिया। इसको हम छानेंगे, पहले आराम से इसको छानेंगे। किसी गहरे बर्तन में छानेंगे तो अच्छा है, गिरेगा नहीं। इस तरह से पूरा इसको छान लेंगे हम, ताकि बिल्कुल इसकी जो ये छोटे छोटे इसमें रबड़ी है, ये इसको सब ये निकल जाएगा और हम छान के इसको रख लें। अब मेरा आटा देखिए बिल्कुल अच्छे से छन गया है। इसी बीच में हम जब तक तैयारी कर रहे हैं, हमने अपनी कढ़ाई गैस बिल्कुल स्लो फ्लेम पे, सिम पे रिफाइंड डालकर रख दी है। आप चाहें तो देसी घी भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें हम पकौड़ी के लिए सब सामान डालेंगे और करेंगे हम उसका मिक्सचर तैयार। तो इसमें हमने सबसे पहले डाला है, ये मैंने डाला इसमें, ये आलू को मैंने अच्छे से धोकर मैंने इसको काट लिया है। और इसमें मैंने ये छोटे छोटे आलू, कच्चे आलू हैं, ये कच्चे आलू को पहले मैंने छीला, उसको धोया और बहुत छोटे छोटे पीसेस में काटा है। आप चाहें तो घिसके भी बना सकते हैं। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ लौकी। लौकी को मैंने कस कर पहले लौकी को अच्छे से धोया, इसको छीला और इसको मैंने ग्रेट कर लिया है या कस लिया है। लौकी मैं इसलिए मिला रही हूँ क्योंकि व्रत में हम लोग आलू का बहुत उपयोग करते हैं, तो वो थोड़ा सा उतना हेल्दी नहीं रहता। मैंने इसमें मिला दी लौकी। अगर आप ना चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं। इसमें डाला मैंने हरा धनिया कटा हुआ। फिर डाली है मैंने हरी मिर्चा कटी हुई और अदरक। आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एक चीज़ मैं और मिलाने जा रही हूँ, मेरे पास बॉयल्ड आलू है। ये बॉयल्ड आलू है। बॉयल्ड आलू इसलिए मिलाते हैं कि इसका पकौड़ी का टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। इसको मैंने छीला, ये देखिए, और इसको भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए और चाहे इसको आप मैश भी कर सकती हैं। मैं इसको टुकड़ों में कर रही हूँ, ये देखिए, इस तरह से बॉयल्ड आलू है। नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर आप कच्चा ही बनाइए, और चाहे तो आप केवल बॉयल्ड आलू से भी ये पकौड़ियाँ बना सकती हैं। अब इसको क्रिस्प देने के लिए मैंने कुछ साबूदाना, देखिए, धोकर भिगो के रखा है। मैं थोड़ा सा इसमें साबूदाना भी मिला रही हूँ। ये मैंने मिला दिया साबूदाना। अब हम इसमें मिलाएंगे थोड़ी सी भुना हुआ जीरा, या आप प्लेन जीरा भी मिला सकती हैं। थोड़ी सी मैंने डाली इसमें काली मिर्च, और ये हो गया हमारा काली मिर्च। अब मैं पानी के साथ मिक्सचर तैयार करने जा रही हूँ। इसमें पानी थोड़ा थोड़ा डालिएगा, और इसमें नमक हम सबसे बाद में डालेंगे। नमक इसलिए हम बाद में डालते हैं ताकि ये टेक्सचर जो है हमारा लूज हो जाता है, क्योंकि कभी कभी हम तैयारी करके रख देते हैं, बनाते बाद में हैं। तो ये मेरा तो परफेक्ट तैयार है बिल्कुल। मैंने इसमें जो कच्चा आलू मिलाया है उससे बहुत अच्छा क्रिस्पी सा टेस्ट आएगा साबूदाना से। एक बात और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मिक्सचर पकौड़ियों के लिए रेडी है, लेकिन अभी मैंने इसमें नमक नहीं डाला है। नमक मैंने इसलिए नहीं डाला है, इसमें अगर हम नमक पहले से मिला देते हैं तो इसका ये लूज हो जाता है। ये तो नमक बाद में मिलाइए, कभी कभी हम तैयारी करके रख देते हैं और वो फिर पूरा फैल जाएगा आपका पेस्ट। और एक चीज़ और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जब तक मेरा तेल गर्म हो रहा है, कि जब भी कच्चे आलू आप काट के रखिएगा तो उसमें पानी डाल दीजिएगा, नहीं तो आलू जो है काले हो जाएंगे। अब हम चूंकि पकौड़ी एकदम बनाने जा रहे हैं, तो हम इसमें डाल रहे हैं व्रत वाला नमक या सेंधा नमक, अपने टेस्ट और अपने स्वाद अनुसार। मैंने डाल दिया इसमें सेंधा नमक और मेरा मिक्सचर बिल्कुल परफेक्ट रेडी है, और मेरा तेल भी बिल्कुल तैयार है। ये लीजिए, देखिए, टाइट टाइट हमारा बिल्कुल पकौड़ी के लिए तैयार है। अगर आपको कम लगता है इसमें आलू, तो आप इसमें कच्चे आलू, उबले आलू या लौकी कुछ भी मिलाकर उसको बना सकते हैं। तो देखिए, ध्यान रखिएगा, आप पानी इसमें धीरे धीरे मिलाइएगा। जब तक मैं तैयारी कर रही थी, मैंने कढ़ाई रख दी थी गर्म करने, मेरा रिफाइंड ऑयल इसमें डाल दिया है, वो गर्म हो गया है। आप चाहें तो देसी घी यूज़ कर सकते हैं, और टेस्ट करने के लिए कि हमारा तेल गर्म हुआ है या नहीं हुआ है, हम थोड़ा सा इसमें पकौड़ी डाल के देखेंगे। बिल्कुल बढ़िया गर्म हो गया, ये देखिए। चाहें तो आप 1 मिनट गैस तेज कर सकती हैं, लेकिन बनाइएगा आप मीडियम फ्लेम पे, ताकि धीरे धीरे हमारी पकौड़ियाँ सिकती रहें। तो लीजिए, हम पकौड़ी बनाना हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये लीजिए, मैंने लौकी इसमें इसलिए मिलाई है क्योंकि व्रत में हम लोग आलू का बड़ा उपयोग करते हैं,
तो थोड़ा आलू का उपयोग कम हो जाए और हम टेस्टी के साथ हेल्दी खाना खाएं। तो देखिए पकौड़ी हमारी एकदम सीखने के लिए तैयार है और मैंने ये बिल्कुल मैं मीडियम फ्लेम पे सीखूंगी इनको ताकि अंदर तक बढ़िया सीख जाए। नौरा बहुत ही अच्छा त्यौहार है लेकिन इसका मतलब केवल हम देवी अनुष्ठान पूजा कर्मकांड नहीं है, ये हमें संदेश देती है कि हम अपने घर में स्त्रियों का सम्मान करें, अपनी बेटियों का सम्मान करें, उनको अच्छी शिक्षा दें, आत्मनिर्भर बनाएं। और लीजिए हमारी पकौड़ी अभी धीरे धीरे सीख रही हैं। ये पकौड़ियाँ देखिए हमारी गोल्डन ब्राउन होने जा रही हैं। मैं मीडियम फ्लेम पे इनको धीरे धीरे सेक रही हूँ ताकि अंदर तक सिक जाए। मैंने लौकी देखा आपने ग्रिट करके इसमें कच्ची लौकी को डाला है, वो ये मेरा पर्सनल अनुभव है कि घर में मेरे हस्बैंड को और मेरे फादर इन लॉ को डायबिटीज़ थी तो व्रत भी रहने हैं, तो हमने अपने मन में कुछ सोचा कि भाई आलू तो बहुत नुकसान करता है तो हम आलू की क्वांटिटी कम करके हमने इसमें लौकी मिला दी। आप चाहें तो लौकी और ज़्यादा मिला सकते हैं लेकिन आलू थोड़ा तो मिलाना पड़ेगा बाइंडिंग के लिए। आप और सब्जियाँ अगर कोई व्रत में खाते हैं आप वो भी मिक्स कर सकते हैं, वो भी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। तो भाई हमारी जो पकौड़ियाँ बनने वाली हैं क्रिस्पी सी पकौड़ियाँ, इनको आप चाय के साथ ले सकते हैं, शाम की चाय के साथ, सुबह की चाय के साथ। अब हमारी पकौड़ियाँ ऑलमोस्ट रेडी हैं, बस थोड़ा हमको एक से दो मिनट और लगेगा सेकने में, बस अंदर तक सेक जाएं। और अब आप ही लोग बताएंगे पकौड़ियाँ आप लोग को कैसी लगी, कैसी बनी। हाँ अपना खूब ध्यान रखिएगा अपनी सेहत का। और हमारी पकौड़ियाँ ये रेडी हो गई हैं, अब हम इनको कढ़ाई से बाहर निकालने जा रहे हैं। देखिए पकौड़ियाँ ब्राउन गोल्डन ब्राउन हो गई हैं, अंदर तक बिल्कुल सिक चुकी हैं। इसी तरह से हमें सारी पकौड़ियाँ बाहर निकालनी हैं। ये लीजिए मेरी पकौड़ियाँ रेडी सर्विंग के लिए। आप अपना पकौड़ियों के साथ खूब एंजॉय कीजिए व्रत। पकौड़ियाँ तैयार है, अब इसको आप शाम की चाय के साथ एंजॉय कीजिए या सुबह के नाश्ते में एंजॉय कीजिए। अब इसी पकौड़ी को हम दूसरी तरह से सर्व करने जा रहे हैं, बिल्कुल चाट स्टाइल में। अब हम इसको दूसरी स्टाइल से सर्व करने जा रहे हैं बट इसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, यानी पेशेंस रखना होगा कि पकौड़ी आपकी थोड़ी सी ठंडी हो जाए क्योंकि हम दही के साथ सर्व करेंगे तो दही फटने का भय। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम दही को छान लेंगे, बिल्कुल चाट स्टाइल में हम बनाने चाहें। अरे आप यूं कहें तो इसको दही वड़ा भी बोल सकते हैं। ये लीजिए मैंने इसको सबसे पहले दही को अच्छे से बहुत अच्छे से हम छान लेंगे, इसको बिल्कुल स्मूथ कर लेंगे। ये हमारा दही बिल्कुल छन गया है, ये लीजिए दही मेरा छन के रेडी है। अभी इन पकौड़ियों को आपने एंजॉय किया चाय के साथ, अब इसी पकौड़ी को हम बिल्कुल चाट की तरह कर रहे हैं। तो थोड़ी पकौड़ी थोड़ी सी ठंडी हो जाने दीजिए नहीं तो दही में फट जाएंगी। मैं एक एक करके पकौड़ियाँ इसमें दही में डिप कर रही हूँ, इसको 2 से 3 मिनट हम बस डिप रहने देंगे, ज़्यादा डिप नहीं करेंगे नहीं तो एकदम सॉफ्ट हो जाएंगी। ये पकौड़ियाँ हमने डिप कर ली और चटनी खट्टी मीठी चटनी के साथ सर्व करेंगे। और फ्रेंड्स मैंने अपनी चटनी का वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, आप मेरा वो वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें बहुत तरीके की चटनियाँ हैं। अब चटनी के साथ सर्व कर रहे हैं, ये मेरी पकौड़ियाँ दही के साथ चल रही हैं, इसको हम बिल्कुल दही बड़े की तरह ही सर्व करेंगे। पर ध्यान रखिएगा इसमें पकौड़ियाँ थोड़ा ठंडा होने पर डाल दिया क्योंकि नहीं तो दही हमारा फट सकता है। तो ये मैंने इसमें डाली खट्टी चटनी और अब मैं डालने जा रही हूँ मीठी चटनी, इमली और गुड़ की चटनी। और इसमें थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ काली मिर्च, थोड़ा सा जीरा भुना हुआ पिसा हुआ और गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा हरा धनिया। तो लीजिए हमारी एक ही रेसिपी से 2 रेसिपी तैयार हो गई। दोस्तों पकौड़ियाँ हमारी तैयार हैं, आप चाय के साथ एंजॉय कीजिए सुबह या शाम। और उसी को हमने नई तरह से पेश किया है दही के साथ, दही और चटनी के साथ, दोनों तरीके की पकौड़ियाँ आप एंजॉय कीजिए और मुझे बताइए आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी। नवरात्र का त्यौहार केवल पूजा पाठ और खाने पीने के लिए नहीं है, ये
संदेश देता है, हम स्त्रियों का सम्मान करें, अपनी बेटियों का सम्मान करें, उनको पढ़ाएं, आत्मनिर्भर बनाएं, उनके स्वास्थ्य का खूब ध्यान रखें। तो इसी शुभकामना के साथ मैं फिर मिलती हूँ अपने तीसरे एपिसोड में नई रेसिपी के साथ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलिए। नमस्कार।